Guys, this is Abhishek from Mystery Classes and I am a student just like you guys. I just want to share my knowledge and experience, whether it is bad or good, just to help you guys in any possible way. Hey guys, मेरा नाम है अभिषेक और मैं इतना खाली हूँ कि मैं वीडियोस बना लेता हूँ, इसलिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बहुत दिनों बाद, क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था और बहुत सारे एक्सक्यूज़ का ड्रॉर भरा हुआ है पूरा ब्ला ब्ला ब्ला। तो बिना किसी देरी के बकवास को शुरू करते हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। स्कूल क्लासरूम या क्लासरूम स्कूल? स्कूल क्लासरूम। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम। एक तो ये नाम ऐसा है जिसको पढ़ने के बाद, मतलब मैंने ट्वेल्थ में पढ़ा था, अभी तक मुझे याद नहीं होता, बार बार मुझे देखना पड़ता है, ठीक है। इसको लिखा है स्टीफन स्पेंडर ने, स्प्लेंडर, जो तुम्हें जैसे तुम्हें याद रहे वैसे बढ़िया, बस तुम्हें पेपर में स्पेलिंग सही लिखनी होती है, बाकी तुम स्प्लेंडर बोलो, पल्सर बोलो, जो मर्जी बोल सकते हो इसको, ठीक है। इसको लिखे स्टीफन स्पेंडर ने। बेसिकली स्टोरी में है क्या, मतलब पोएम में है क्या, उसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं, कि किस एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को बताया गया है और एक स्लम के अंदर जो बच्चे हैं उनकी कंडीशंस को डिस्क्राइब किया गया है कि किस तरीके से वो बच्चे एजुकेशन को किस तरीके से मिलनी चाहिए और किस तरीके से मिल रहे, उस डिफरेंस को बताया गया है। और बहुत सारे लोगों को गालियाँ पड़ी हैं, जैसे हमारे क्या नाम है, शेक्सपियर साहब को गाली पड़ी है, और कंपैरिजन हुए हैं, आयरनी है, बहुत तरह तरह की कहानी, बहुत तरह तरह की स्टोरीज है जो चार स्टैंजा में बटे हुए हैं। तो एक एक करके सारे स्टैंजा को पढ़ेंगे, मतलब मैं डिस्क्राइब करूँगा, पढ़ेंगे तो नहीं क्योंकि ये समरी है, तो ऑब्वियसली समरी का मतलब ही होता है छोटी वीडियो और जल्दी से निपट जाए वो वाला काम, ठीक है। तो स्टार्ट कर देते हैं। मेरे घर में बहुत सारे अजीब अजीब से चूहे हैं यार, तो आवाज़ आ रही है तो उस चीज़ को इग्नोर करना, और गर्मी बहुत है इस चीज़ को भी इग्नोर करना, ठीक है। पहले पसीना पोंछ लेता हूँ। तो जो पहला स्टेंज है उसमें हमने जो पोइट है वो हमें बता रहा है कि क्या कंडीशन है, किनकी बच्चों की उस स्कूल क्लासरूम में, उनकी बहुत ज़्यादा मिजरेबल कंडीशन है, मिजरेबल पे ध्यान देना, जो है मल नरिश्ड है, मतलब कि उन नरिशमेंट नहीं है उनके पास खाने पीने, मतलब काफ़ी पतले सूखड़े से ऐसे मल नरिश्ड है, सिक है, हंगरी है, ये सारी चीज़ें हैं, मतलब अगर एग्जाम्पल देखना तो सामने खड़ा एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद उनका कंपेरिजन किया गया रूटलेस वीट से, क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब है, तो रूटलेस वीट जो वर्ड है उस पर फोकस करना है आपको, और एब्जेक्ट पॉवर्टी पे फोकस करना है, और उन्होंने अपने पेरेंट्स से क्या इनहेरिट किया है, ये लाइन का भी डिस्क्रिप्शन है हमारे पास, कि सिर्फ गरीबी और बुरी किस्मत अपने पेरेंट्स से इनहेरिट की गई है उनके द्वारा, जो उनके पेरेंट्स ने उनको दिया है, और कुछ नहीं मिला उन्हें। और क्या है, मैं भूल गया हूँ, बार बार भूल जाता हूँ मैं। फिजिकल मतलब मानसिक, फिजिकल शारीरिक होता है, फिजिकल शारीरिक और मानसिक यानी मेंटल कंडीशन जो है वो भी रुकी हुई है, मतलब उनकी ग्रोथ हो ही नहीं रही, ठीक है। कुपोषित हैं बच्चे। और जो पोइट है उन्होंने ये भी बताया कि जो रूम का वो है, क्या है, वॉल्स है, रूम की वॉल्स है, वो भी हमारे पास जो पेंट है वो कौन से कलर की पेंट था रात तेरी के चेहरा पेंट है, वो क्रीम कलर का है, जो सिंबलाइज कर रहा है उनके डल और ब्लीक फ्यूचर के लिए। अब ये ब्लीक फ्यूचर जो वर्ड है इसको भी अंडरलाइन कर लेना, ताकि ये वर्ड आप यूज कर सको अपने आंसर में, क्योंकि कुछ वर्ड्स होते हैं जो यूज करने होते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो ब्लीक फ्यूचर को सिंबलाइज कर रहा है ऐसा पॉइंट कह रहा है, कि जो क्रीम कलर का, मतलब अब कहीं पर मनुष्य होती तो हर चीज मनुष्य लगती है, अब क्रीम कलर वैसे तो ठीक है मेरी नजर में तो सब सही लगता है, लेकिन जैसा पॉइंट कह रहे कि वहां पे कुछ बुरा हो रहा है तो अब क्रीम कलर भी बुरा हो गया। तो ये हमारे फर्स्ट स्टेंजा बता। तो सेकंड स्टेंजा में जो पॉइंट है वो हमें बता रहा है कि क्लासरूम के अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब डिटेलिंग की जा रही है पोएम में, मतलब मैप को भरा जा रहा है, मैप से याद आया, क्लासरूम के अंदर एक मैप भी है, एक वैली की पिक्चर है और शेक्सपियर की पिक्चर है, और ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही है जो सिविलाइज लोगों के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन वो उनके किसी काम की नहीं है, किसके किसी काम की नहीं, जो अंदर स्टूडेंट्स बैठते हैं जिनको बेसिक नीड्स के लिए भी तड़प रहे हैं, उनके लिए वो फोटो से कोई काम नहीं आ रहा, उनसे उनके बस मन में लालच आ रहा है कि हमें वो चाहिए। अब किसी के मन में लालच आता है और वो चीज़ बहुत दूर होती है, या तो उसके दो तरीके उसको पाने के, या तो उसको मेहनत करके वहाँ तक पहुँच जाओ, या दूसरा तरीका है चुरा लो। तो वो चीज़ें जो फीलिंग्स हैं वो आ रही बच्चों के अंदर, जो है चुराने की भावना, जिसको इंग्लिश में लिखा गया टेम्प्टेड टू स्टील, जो पोएम के अंदर लिखा गया। इस बात को फोकस करते हुए लिखना है आपको, अगर आंसर आता है कुछ, कि इन सबको देख के उनके लिए तो कोई काम का नहीं है, बस वो जो बच्चे हैं वो टेम्प्टेड टू स्टील, मतलब उनको चुराने की भावना अंदर से आ रही है। तो ये चीज़ें निकल के आ रही है सेकंड स्टैंजा में, जो हमें पोएट ने बताने की कोशिश की है। कोसों दूर है, मतलब उनका फ्यूचर अभी काफ़ी फॉगी है, अनक्लियर है, मतलब उनका फ्यूचर अभी अनसर्टेन है, मतलब इस तरह से एजुकेशन अगर किसी को मिलेगी तो ना तो उनके पास बेसिक नीड है ना अच्छी एजुकेशन है, तो उससे वो कैसे अपने फ्यूचर को एक अच्छे तरह से आगे बढ़ाएंगे। तो ये चीज़ें जो है सेकंड स्टैंजा में डिस्क्राइब की गई हैं, और बाकी चीज़ों को बताया गया कि वॉल पे किस किस तरह, मैं अपने वॉल को क्यों देख रहा हूँ, वहाँ पे कुछ नहीं, वो खाली है, पपड़ी लगी हुई है, मुझे यहाँ फोकस करना है, ठीक है।
तो उन्होंने बताया है कि वॉल पे ये चीजें लगी है और वो किस तरीके से उनके काम की नहीं है, क्योंकि जहां पे बेसिक नीड भी नहीं है तो वो चीजें क्यों है। और ये जो चीजें टांगी गई है ये डोनेटेड है ऑब्वियसली, क्योंकि वो कहाँ से लगाएंगे, बाय द रिच पीपल। ये चीज हमें सेकंड सीजन में पता चली। थर्ड सीजन में शेक्सपियर साहब को गाली पड़ रही है, उनको विक्ड बोला जा रहा है, ऐसा इसलिए क्योंकि अकॉर्डिंग टू द पॉइंट वो मिसलीड कर रहे हैं बच्चों को एक गलत डायरेक्शन में, क्योंकि वो प्रोस्पेरिटी को शो कर रहे हैं, तो बच्चों को बच्चे के मन में जो सीखना चाहिए वो उस चीज को देख के वो नहीं सीख रहे, वो चुराने की भावना आ रही है। और मानना है कि अगर वहां पे अच्छी एजुकेशन मिले बजाय कि वो फोटो लगाई हुई है जो कि किसी मतलब की नहीं, क्योंकि वहां पे एजुकेशन के नाम पे ठेंगा दिखाया जा रहा है और कुछ भी नहीं मिल रहा उनको, बच्चे भाई स्किनी है और उनके मतलब सिर्फ स्किन स्किन है ये क्या लाइन में, मतलब बहुत पतले हैं यार, ठीक है, मतलब कुछ उनके बेसिक नीड्स पूरे नहीं हो रहे, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ इस अपने वीडियो में। तो उनका कहने का मतलब पॉइंट का कि अगर वहाँ पे अच्छी एजुकेशन मिलेगी वो ज़्यादा बेटर होगा बजाय कि फोटो लगी है और वो फोटो डिसरिस्पेक्ट को शो कर रही है जो बच्चों के अंदर हो रही है, मतलब बच्चों के अंदर फील हो रहा है कि बस उनको मिसलीड किया जा रहा है, इसलिए शेक्सपियर को विग्ड बोला जा रहा है क्योंकि बच्चों को मिसलीड किया जा रहा है कुछ और बनाने के चक्कर में, ठीक है, उनके फ्यूचर को अनसर्टेनिटी से कंपेयर किया जा रहा है इसलिए ऐसा हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ बोलते टाइम, बहुत ज़्यादा। और लास्ट लास्ट सेंजा में जो है वो पोइट जो है वो बाकी अमीर लोगों और हाई पोस्ट वाले लोगों से अपील कर रहा है किसी तरीके से इन बच्चों के जो एजुकेशन है उनको उनकी उनकी क्वालिटी को इंक्रीज किया जाए, उनके बेसिक नीड्स को पूरा किया जाए ताकि वो अपने फ्यूचर को सर्टेन बना सके, एक मतलब एक अच्छी डायरेक्शन में ले जा सके, क्योंकि एक एजुकेशन ही ऐसी ऐसा मीडियम होता है, हम सबको पता है एजुकेशन एक ऐसा मीडियम होता है जिससे हम अपने फ्यूचर और अपने फ्यूचर हो चाहिए, क्या गंदी गंदी बातें कर रहा हूँ मैं, अपने फ्यूचर को हम अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन से क्या होता है, हम सिविलाइज होते हैं, सिविलाइज होने का मतलब हमारे पास कुछ नॉलेज होती है तो हमें रहने सहने का तरीका पता चलता है और उन चीज़ों को हम फॉलो करते हैं अच्छी चीज़ों को, और फिर हमें एक लाइफ के बारे में पता चलता है, ठीक है। तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लास्ट पैराग्राफ में तो जो शुरू से लेकर लास्ट तक बस बच्चों पे कंसर्न किया जा रहा है कि उनका फ्यूचर अच्छे से डेवलप किया जाए, क्योंकि एजुकेशन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है हर एक की लाइफ में, ये जो मैसेज है हमें पता होना चाहिए क्योंकि मैसेज का लिखना है आंसर हर एक आंसर में बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अब बात ये तो समरी हुई, अब तुम्हें कैसे पढ़ना है और एग्जाम के लिए क्या करना है। देखो भाई एक बार समरी पढ़ ली, एक बार समझ ली, एक बार खुद से रीड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जहाँ भी समरी लिखी उसको पढ़ लो एक बार, ठीक है, उसके बाद अब तो दिमाग में घुस गई स्टोरी, अब जो भी क्वेश्चन आंसर तुम्हें दिख रहे हैं जहाँ पे भी दिख रहे हैं मतलब एक्स्ट्रा बुक कोई भी एक ले लो यार, कोई एक एक्स्ट्रा बुक होनी चाहिए, सस्ती ज्यादा 200 रुपए की, उससे ज्यादा तो मैंने भी 200 की ली थी, ठीक है, कोई भी एक एक्स्ट्रा बुक लो, फिर उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड उसको रीड करो, एक बार रीड करो, फिर इंटेक्स क्वेश्चन को रीड करो, उसके आंसर को रीड करो और उसको लिखने की कोशिश करो। अगर हर एक दिन एक एक चैप्टर को भी टाइम देते हो या हर एक हफ्ते एक चैप्टर को टाइम देते हो, इनफ है जो तुम बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। वैसे बोर्ड की प्रिपरेशन सिर्फ एक महीने में हो सकती है इंग्लिश के लिए, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, तो अगर अभी से ही प्रिपेयर करोगे तो क्या बुराई है, अच्छी बात ना, पहले से अगर हर चीज़ आती है तो। वैसे भी बीच में मिड टर्म आ ही रही हूँ तुम्हारे, तो उसके लिए पढ़ाई हो जाएगी, ठीक है। तो बस ये था इस वीडियो में, जितना मुझे आता था मैंने बक दिया, अगर कुछ मिस किया है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना ताकि मैं बाकी लोगों को बता सकूं कि मैंने ऐसे ऐसे गड़बड़ कर दी है और गाली ना पड़े मुझे इसलिए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो नहीं पढ़ रहे, मतलब जिनको इतनी फैसिलिटीज़ मिल रही तब भी नहीं पढ़ रहे, जिनको नहीं मिल पा रही उनको पढ़ना है वो तब भी नहीं पढ़ पा रहे, तो शेयर कर देना, इंपॉर्टेंस पता चला एजुकेशन की और पढ़ लेना इसी बहाने, ठीक है, स्टीफन स्प्लेंडर नाम के सर जी के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर और वीडियो में कुछ कमी हो तो मुझे नीचे सजेस्ट कर देना ताकि मैं आगे अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो भी तुम बोलोगे वो मैं बनाऊंगा, जो भी इंपॉर्टेंस होगी नीड होगी जरूरत है। अब मैं जा रहा हूँ नहाने क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीना आ गया है और मैं क्यों बोल रहा हूँ सब, तुम निकलो। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की धुन पे जो मारा।